हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशी निटिंग चैनल। आज मैं आपको मशीन में थ्रेड लगाने से लेकर कार्ड लगाने तक का वीडियो बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमने अपना थ्रेड लगा लेना है एक्सटेंशन में। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, थ्रेड को हमने यहाँ पे यूज़ किया, आपको डाल लेना है राइट साइड से और ऊपर सेंटर में लगा के, आप ऐसे कुंडे में लगा के इस तरह आप फर्स्ट एक्सटेंशन में धागा लगा लीजिए। ये मैंने लगा लिया है। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है कि आप हमें स्टार्टिंग से सिखाएं कि आप कैसे मशीन में काम करते हो। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कैसे धागा लगाना है, कैसे फंदे लेने हैं। तो ये हमने अपने डिवाइडर से मैं कुछ ही फंदे आगे लूँगी, क्योंकि मैं कोई पैटर्न नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने कुछ आगे कर लिए हैं और ये एक थ्रेड आपको लेना है, और जैसे ही हम सिंपल मशीन में लगाते हैं उसी तरह आपने कैरिज में धागा लगा लेना है। बहुत ही आसान है कार्ड निटिंग मशीन, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। जिनके पास न्यू कार्ड निटिंग मशीन है वो लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। कार्ड निटिंग मशीन के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई है पहले ही, और इस पर मैंने बटन के यूज़ पे कलर में मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई थी। तो आप लोगों का मैसेज था कि हमें प्रैक्टिकल करके बताइए, तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। तो ये हमने दो तीन सिलाइयाँ लगा लेनी है सिंपल, जैसे हम लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने कार्ड कैसे लगाना है और कैसे हमने एक कलर का और दो कलर का डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए, अब मैं एक कलर का डिज़ाइन बताऊँगी। तो ये हमने अपना एक कलर का कार्ड ले लेना है। आपको पता ही होगा कि हमारा एक कलर का कार्ड कौन सा है। तो ये मैंने ले लिया एक कलर का कार्ड और मैं इसे मशीन में लगा लूँगी। तो आप ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको कोई अलग वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, बहुत सिंपल है, आपको राइट साइड को पकड़ना है, एरो आपकी अपनी साइड की होना, अपनी साइड की ओर होना चाहिए, राइट हैंड की तरफ आपका एरो होना चाहिए। तो ये देखिए, आपको दोनों तरफ से कार्ड बैलेंस में लगाना है, आपको कार्ड तिरछा करके नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड से पकड़ने के बाद अपना कार्ड लगा लेंगे, और साइड में जो बटन है उसे हम पुश करके कार्ड को इस तरह से एक नंबर पर ले आएंगे। ये वाले बटन को घुमा के हम कार्ड एक नंबर पर ले आएंगे, और जो हमारे कैरिज में साइड में बटन है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये देखिए, ये वाला बटन हम दो नंबर पर रखेंगे और एक सिलाई हम अपना एक चक्कर चला लेंगे हम कैरिज को इस तरह से। तो एक चक्कर लगाने के बाद हमने अपना सिंगल डिज़ाइन के लिए, मैंने बताया था आपको, लेफ़्ट साइड के हमने दो बटन पुश कर देने हैं और फिर अपने कैरिज को हम सिंपल चलाते रहेंगे जैसे हम चलाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कार्ड लगाने का होता है। अगर आपने कार्ड सही ढंग से लगा दिया है तो आपका डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, ये मेरा सिंगल डिज़ाइन बन गया। अब इसे कैसे, इसे हमने आगे निकाल देने हैं बटनों को, और एक चक्कर हमने सीधा बना लेना है। सारे बटन हम पहले की तरह रख लेंगे, ठीक है। अब इसे हम पुश करके कार्ड ऊपर को खींच लेंगे, तो हमारा कार्ड भी निकल जाएगा। और अब हम दूसरा कार्ड बताते हैं टू कलर में, इसे भी हमने सेम उसी तरह से लगाना है जैसे हमने फर्स्ट वाला कार्ड लगाया था। इसे लगाने के बाद भी हमने इसे भी एक नंबर पर ले आएंगे। जो हमारे गोले होते हैं इन्हें हमने एक सीध में रखना होता है ताकि हमारा डिज़ाइन एकदम से परफेक्ट बन जाए। और एक चक्कर लगाने के बाद ये वाला हमने फिर से वही दो नंबर पर रखना है फर्स्ट में ही, और बाहर से ही हमने इसमें थ्रेड लगाना है। हमने इसे हुक को खोलना नहीं है, बाहर से थ्रेड लगा के हमने दो कलर के लिए सेंटर का बटन पुश कर देना है। सेंटर का बटन पुश करने के बाद हमने कैरिज को अब सिंपल चला लेना है, क्योंकि डिज़ाइन का काम तो हमारा कार्ड कर रहा है, तो हमने इसमें खुद से कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। हमने बस अपनी प्रेस को चलाते हुए जाना है कैरिज को। ऐसे ही हम चला लेंगे तो हमारा दो कलर का डिज़ाइन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमने अपना पैटर्न बनाते हुए जाना है, और प्रेस को हम चलाते जाएंगे दो कलर के डिज़ाइन के लिए।
तो हमारा ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और बनकर हमारा ये, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमने कैरिज का बटन सीधा कर लेना है इस तरह, और एक थ्रेड हम हटा देंगे तो हमारा डिज़ाइन रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी छोटी सी नॉलेजबल वीडियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह बन के आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा एक नंबर का डिज़ाइन और ये हमारा दो नंबर का, दो कलर का डिज़ाइन हमारा बन जाता है।